हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में। कक्षा 12वीं की ये दूसरी क्लास है। इकाई एक जो है आपकी ठोस अवस्था, इसमें हम पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, आज हम कुछ दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है, इकाई सेल में अणु या परमाणुओं की गणना करना, मतलब ये है कि इकाई सेल में जो अणु या परमाणु होते हैं, इकाई सेल में उपस्थित आयनों की, अणुओं की, परमाणुओं की, उनकी गणना किस तरीके से की जाती है। ठीक है, कि वो फलक पर उपस्थित हैं, कि केंद्र पर उपस्थित हैं, या फिर कोणों पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो जैसे माना माना कि ये क्या है आपका, एक इकाई सेल है। अब इस इकाई सेल में क्या होंगे, जैसे इकाई सेल में ये क्या हो गए आपकी कोने, ठीक, ये क्या होती हैं आपकी फलकें, ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है आपका फलक कहलाती हैं, और ये क्या कहलाता है इसका केंद्र। ठीक, एकदम सेंटर में जो इस फलक के, सारी की सारी छह फलकों के, सारे के सारे आठ कोनों के बीचों बीच होता है, वह क्या कहलाता है आपका केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ये जो इकाई सेल होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इकाई सेल तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है, सरल घनीय इकाई सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अगर गणना करनी है हमें अणुओं की या उसमें उपस्थित परमाणुओं की, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि सारे के सारे जो इकाई सेल होते हैं वो क्या कैसे किस चीज़ से बने होते हैं, उनके रचक अवयवों से बने हैं। रचक अवयव क्या है, अणु हो गए, परमाणु हो गए, आयन हो गए, ये क्या है उनके रचक अवयव हैं। तो इन रचक अवयवों में क्या करना है हमें, इनके यूनिट सेल की गणना करनी है, इकाई सेल की गणना करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक इकाई सेल में या ठोस क्रिस्टल में क्या होते हैं, आठ तो क्या होते हैं उसके कोने होते हैं, ठीक है, और छह क्या होती हैं फलक होती हैं, और एक क्या होता है केंद्र होता है। तो ये जो आठ फलक, आठ जो कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन आठों कोनों में हर एक अणु का, हर एक आयन का या हर एक परमाणु का भाग कितना होगा, 1/8, मतलब इसका भाग क्या हुआ, 1/8 × 8। हर आठों कोनों पर हर एक अणु या आयन या परमाणु का भाग क्या होगा, 1/8 होगा, और इसलिए ये संख्या क्या हो जाती है, 8 से 8 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सरल घनी इकाई सेल में प्रत्येक अणु या परमाणु का जो घेरा गया स्थान होता है या उसका जो भाग होता है वो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। कब, जब वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें क्या होगा,
एक बटे आठ गुणत आठ तो क्या हो गए कोनों पर, प्लस एक क्या होता है यहाँ इसमें केंद्र पर उपस्थित होता है। जैसे ये क्या था, ये आठ कोनों पर उपस्थित बिंदु थे, जबकि यहाँ इसमें क्या होगा, मतलब ये आठ से आठ कैंसिल हो गए, एक और एक कितने हो गए दो, तो इसमें दो अणुओं का जो है वो भाग माना जाएगा इकाई सेल में, ठीक है, रचक अवयवों का। तो ये कहाँ कहाँ स्थित हैं, आठ तो हैं ये कहाँ कोनों पर, प्लस एक क्या है ये केंद्र पर, ठीक। इसके अलावा तीसरी बात क्या है, अगला है आपका फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें किस तरीके से होगा अणुओं का भाग, एक बटे आठ गुणित आठ घन, फलकें कितनी है छह, और हर फलक पर जैसे ये मान लो क्या है, ये फलक है और इस पे आधा भाग ये मतलब इतना और आधा भाग ये मतलब इतना, तो दोनों का हिस्सा कितना है, एक फलक में दोनों का हिस्सा कितना है एक बटे दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे दो गुणित फलक कितनी है छह, तो दो से क्या हो जाएगा तीन कैंसिल हो, छह कैंसिल हो जाएगा तो कितने बचेंगे, आठ से आठ कट गया तो एक और एक दो और ये एक और तीन कितने हो जाएंगे चार, ये आठ दो एक बटे दो से ये कट गया तो कितने हो जाएंगे चार, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये आठ है कहाँ कोनों पर और छह कहाँ है फलकों पर, लेकिन ये जो छह फलक हैं तो इसको एक बटे दो से काटने पर ये कितनी बचेंगे तीन, तो इस तरीके से ये संख्या कितनी हो जाती है चार। तो अब ध्यान रखें कि सरल घनी इकाई सेल में एक अवयवीकणों द्वारा घेरा गया भाग होता है या उनका घनत्व होता है, काय केंद्रित का होता है दो और फलक केंद्रित का होता है चार, नोट करें इसको। अब हमें क्या करनी है, इकाई सेल के घनत्व की गणना, मतलब द कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, उसके मतलब घनत्व की गणना करनी है कि कोई इकाई सेल किन किन चीजों से जो है घिरा होता है या किस किस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ये एक फॉर्मूला है, क्या क्या, जेड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम अपॉन ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब देखिए चार तो चीजें ये मिल गई, मतलब इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको किसी इकाई सेल के घनत्व की गणना करनी है तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली तो हो गई क्या, जेड। जेड क्या है, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है ये, ठीक। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए उसका, एम क्या है उसका परमाणी या अणु, अणु का द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो
परमाणवीय द्रव्यमान, ये क्या था जेड था, ये क्या हो गया कैपिटल एम हो गया। तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए आपको, उस पूरे के पूरे जो इकाई सेल है, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम। चौथी चीज हो जाएगी आपकी ए क्यू, ए क्यू का मतलब क्या है, अगर ये एक इकाई सेल है तो इस इकाई सेल में ये क्या हो जाएगी उसकी लंबाई a, ये क्या हो जाएगी उसकी चौड़ाई a, और ये क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई a, मतलब a a a कितने हो गए, a क्यूब हो गया, मतलब ये क्या हो गया उसका घन हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिलके क्या बनता है आयतन बनता है। तो ये कह सकते हो आप कि इकाई सेल का आयतन ए क्यू, ठीक। इसके बाद चौथी पांचवी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, उसकी अवोगैद्रो संख्या, अवोगैद्रो संख्या मतलब क्या एन ए, अवोगैद्रो नंबर, ठीक। तो इतनी चीजें पता होंगी तब जाके आप क्या निकाल सकते हो, किसी इकाई सेल की घनत्व की गणना कर सकते हो। भाषा के रूप में इसकी परिभाषा अगर लिखें हम तो जेड क्या हो जाएगा उसकी, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं परमाणुओं द्वारा घेरा, ये यहां पर नहीं लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगी जेड क्या हो जाएगी परमाणुओं की संख्या, गुणित एम क्या हो जाएगा परमाणवीय द्रव्यमान, बटे में क्या हो जाएगी ए क्यूब मतलब इकाई सेल का आयतन, या फिर परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, वह भाग या भाग जो परमाणु क्या करते हैं उस इकाई सेल में क्या करते हैं घेरते हैं। तो लिख सकते हैं इसको कि परमाणुओं का आयतन या परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन या घेरा गया भाग गुणित अवोगैद्रो संख्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिलके बन जाएगा इकाई सेल का घनत्व, ठीक। इस तरीके से आप इकाई सेल का घनत्व तो निकाल सकते हैं, नोट करें। अगली चीज क्या हो जाएगी, ठोसों में संकुलन, मतलब पैकिंग इन सॉलिड्स। चलिए अब देखते हैं इसको कि ठोसों में संकुलन का मतलब क्या है। ठोसों में संकुलन का मतलब ये है कि जैसे कोई क्रिस्टल है, अब वो क्रिस्टल क्या है अपने रचक अवयवों से घिरा हुआ है, मतलब उसके जो अणु है परमाणु है या आयन है उनसे वो क्या है घिरा हुआ है। अब वो अपने अणुओं परमाणुओं से घिरा है तो वो क्यों घिरा है, उसके क्या जरूरत है उसको घिरने की।
तो वास्तव में बात ये है कि पैकिंग मतलब किसी अणु परमाणु या कोई क्रिस्टल है, तो अगर वो अणु परमाणु या आयनों से घिरा है तो वो एक खास कारण से घिरा है, ताकि उसका क्या बना रहे, घनत्व बना रहे और साथ साथ में उसमें क्या रहे, स्थायित्व, मतलब एक स्टेबिलिटी रहे, वो यहां वहां ना जाए, यहां वहां ना भटके, एक स्थान पर स्थित रहे, स्टेबल रहे और परफेक्ट जगह पे अपनी क्या रहे, जो है सेट रहे। इस कारण से ठोसों में जो है संकुलन की बात की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ठोसों में संकुलन का प्रमुख कारण यह है ताकि प्रत्येक ठोस अपने रचक अवयव या फिर अणु आयन या परमाणुओं से इसलिए घिरा होता है ताकि वह घनत्व एवं स्थायित्व को बनाए रखे। और ज्यामिति आधार पर यह जो ठोसों में संकुलन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्या, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वि विमीय निविड संकुलन, और दूसरा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब त्रिविमीय निविड संकुलन। अब ये द्विविमीय और त्रिविमीय है क्या, क्या मतलब है इसका? तो ये जो द्विविमीय है ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि क्या है, किसी क्रिस्टल में, ठोस क्रिस्टल में इस तरीके से कोई अणु क्या है, विद्यमान है, एक के नीचे एक। तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो आपका इतना भाग है, ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, घिरा हुआ है। और जैसे मान लो कि इस तरीके से हो कोई ठोस, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो अणु होता है ये अणु अपने आसपास उपस्थित जो परमाणु है उनसे किस तरीके से घिरा होता है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाती है, ये होती है किस तरीके से, वर्गाकार पैकिंग कहलाती है या फिर स्क्वायर पैकिंग, और इसको क्या बोलते हैं, षटफलकीय पैकिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पैकिंग। अच्छा, अब इसमें और इसमें आपको अंतर ये दिख रहा होगा कि इसमें चारों के चारों अणु एक दूसरे के साथ जब घिरे हुए हैं तो इनमें रिक्ति क्या है, कम है, जबकि इनमें ये जो रिक्ति है हर अणु के बीच में अधिक है, जबकि एक अणु छह अणुओं से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है ठोसों में संकुलन, दो प्रकार के, टू डायमेंशनल पैकिंग और थ्री डायमेंशनल पैकिंग। अब देखेंगे अपन संकुलन क्षमता या फिर पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है।
संकुलन क्षमता से ये मतलब है, संकुलन मतलब क्या है, पैकिंग। तो कोई भी ठोस जो है तो उसके जो रचक अवयव हैं वो कितनी क्षमता रखते हैं अपने परमाणुओं से घिरने की, मतलब उनका प्रतिशत क्या है। कि कोई भी ठोस है उस ठोस में उपस्थित कोनों पर, फलकों पर या केंद्र पर उपस्थित जो अणु परमाणु या आयन है तो वो अपने अंदर के आयनों को किस प्रकार से घेरे हुए हैं, उनकी परसेंटेज क्या है ना, मात्रा क्या है, तो क्षमता क्या है, वही क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। तो ये तीन प्रकार से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई में, तीन प्रकार के इकाई सेल पढ़े हैं हमने, एक हो है आपका सरल घनीय, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, लैटिस यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल में हम देखेंगे, तो सबसे पहले चूंकि हमने देखा कि जो प्रत्येक सरल घनीय में देखा था कि प्रत्येक जो रचक अवयव होता है वह क्या करता है, जो एक स्थान घेरता है या रचक अवयवों द्वारा घेरा गया स्थान कितना होता है, एक होता है। हमने पिछले अभी एक उसमें देखा था जब ये पढ़े थे, सरल घनीय, काय केंद्रित और फलक केंद्र। तो अगर इसके द्वारा घेरा गया आयतन जो है क्या हो, ए हो, तो चूंकि जैसे ये क्या है, एक यूनिट सेल है, अब इस यूनिट सेल में ये क्या हो गए, किसी अणु या परमाणु या आयनों द्वारा घेरा गया हो गया स्थान। अब चूंकि हम देख रहे हैं इसमें कि प्रत्येक परमाणु या आयन या अणु क्या कर रहा है, एक फलक पर उपस्थित, हर फलक पर कितने अणु उपस्थित हैं, अणु या परमाणु, दो, मतलब प्रत्येक का भाग क्या हुआ, एक बटे दो। मतलब अगर हम कहें कि a बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा 2r, मतलब प्रत्येक अणु परमाणु या आयन की जो मान होगा वो a बराबर उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी हर फलक पर, क्योंकि हर फलक से कितने अणु आयन या परमाणु जुड़े हुए हैं, दो, तो हर एक की r, तो दो अणुओं की कितनी हो जाएगी, 2r, इसलिए a बराबर क्या हो गया, a बराबर 2r, ये 2r, ये 2r, ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 2r। और अगर हम बात करें a a क्यूब की, क्योंकि हमें घनत्व तो चाहिए, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब। अब 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, मतलब ये क्या हो जाएंगे, 8r हो जाएंगे, ठीक। अब हमें करना क्या है कि इसको हमारे फॉर्मूले के आधार पर इसको ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र जो होता है, संकुलन क्षमता निकालने का जो सूत्र होता है, अच्छा गोले का आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³, ठीक। और ये कितना हो गया, ये इसका क्यूब आ जाएगा इस पे, तो 4/3 πr³ हो गया अगर ये, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, रचक अवयवों, रचक अवयव मतलब अणु परमाणु या आयनों द्वारा घेरा गया स्थान बटे क्या है, बटे है किसी परमाणु या मतलब क्रिस्टल का आयतन, और गुणित में क्या है 100, रचक अवयवों द्वारा घेरा गया स्थान बटे उसके सरल घनीय यूनिट सेल का मतलब इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। अब ये क्या हो जाएगा,
इसको फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे इसका। तो रचक अवयवों द्वारा घेरा गया आयतन, अब इकाई सेल का आयतन या फिर किसी परमाणु का आयतन भी कह सकते हैं, किसी एक एक सेल का आयतन भी कह सकते हैं। तो ये मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाला 4/3 πr³/, और ये कितना था आपका इकाई सेल का आयतन a³, और a³ का मान कितना था 8r³, गुणित कितना हो जाएगा 100। अब हम क्या कर दें इसको, अब हम इस 4/3 में से 3 को क्या कर दें, ये r³ से r³ हो गया कैंसिल। अब ये 4/3 में से 3 कहां आ जाएगा, नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा 4, और पाई का मान अगर रख दें तो 22/7 होता है, तो 22 ये और बटे में 7, और 3 कहां आ जाएंगे नीचे, गुणित 8 कहां, ये पहले से है, गुणित 8 और गुणित में 100। ठीक, अब 4 से क्या कर देंगे हम इसको कैंसिल। ठीक, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितने हो गए, ये 2200 हो गए, 2200 बटे, ये 7 * 21 = 4200 हो गए। जब इनको आपस में काटा जाता है तो ये लगभग प्रतिशत आता है 52.2 के समथिंग, ये इतना प्रतिशत निकल के आता है। ठीक है, 52.4 होता है, ये प्रतिशत कितना होता है 52.4। तो ये क्या होती है, सरल इकाई घनीय की संकुलन क्षमता मानी जाती है 52.4। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका बॉडी सेंटर्ड या फिर काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। अब इसकी अगर क्षमता ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला वही है, क्या परमाणुओं द्वारा घेरा स्थान या आयतन बटे क्या हो जाएगा इकाई सेल का आयतन, गुणित में क्या 100। अब चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन मतलब 4/3 πr³ हो गया ये मान। और एक बात और ध्यान रखें कि ये जो बॉडी सेंटर्ड होता है इसमें परमाणुओं द्वारा घेरा आयतन हमने कितना निकाला था, 1/8 गुणित 8 धन क्या था 1 था, केंद्र पर उपस्थित था, 8 से 8 ही कैंसिल हो गए थे, और 1 और 1 कितने हो गए थे 2। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें साथ में, गुणित 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे का मान रख के हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये कितना आता है, लगभग 68% आता है इसका बॉडी सेंटर्ड का। इसी प्रकार से जो तीसरा है वो क्या है आपका, फेस सेंटर्ड मतलब फलक केंद्र, यही सूत्र फिर से लगा दिया जाएगा, परमाणुओं द्वारा घेरा स्थान बटे इकाई सेल का आयतन गुणित 100। अब इसमें हमने क्या निकाला था, 1/8 × 8 = 1/2 × 6। तो ये 2 से 3 कट गया था, 8 से 8 कट गया था, तो 1 और 3 कितने हो गए थे
चार, मतलब इसमें रचक अवयवों का जो स्थान था वो चार साथ में थे, तो ये कितना निकालना पड़ेगा, चार गुणित चार बटे तीन पाई आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले को रख के इसका मान जब निकाला जाएगा तो ये लगभग निकलता है कितना, 72%। ठीक, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, आपकी संकुलन क्षमताएं हो जाएंगी 74%। क्योंकि इस अध्याय से, पहले वाले अध्याय से आपको केवल क्या आने हैं, विकल्प आने हैं चार, इसलिए आप केवल प्रतिशत याद रख के भी जो है ध्यान रख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी थ्योरी या फिर जो है डेरिवेशन या कोई गणना करने के लिए अलग से नहीं आएगा, केवल एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत पूछे जा सकते हैं या फिर सूत्र पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, रिक्तियां जिन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉइड्स। अब एक जो आपके ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें क्या होती है कि जब रचक अवयव एक दूसरे को घेरते हैं तो इनको घेरने के कारण एक प्रकार की क्या हो जाती है, स्थान रिक्त हो जाते हैं, स्पेस क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे हम देखें तो एक परमाणु मान लो ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। ठीक है, ये किस तरीके से थे, एक यहाँ था, एक यहाँ भी था, है ना, एक यहाँ था, एक यहाँ था। अब होता क्या है कि जब ये परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं, घेरते हैं, जैसे मान लो क्या किया कि इसने एक प्रकार का जालक बनाया, तो ये क्या बन जाती हैं, यहाँ पर स्थान रिक्त रह जाते हैं, एम्प्टी रह जाते हैं। तो इन स्थानों को क्या कहा जाता है, रिक्तियां कहा जाता है। मतलब जब किसी क्रिस्टल द्वारा बनाए, जब किसी ठोस के क्रिस्टल में उसके रचक अवयव या फिर अणु परमाणु या आयन एक दूसरे को घेरे रहते हैं तो उनको घेरने के कारण कई प्रकार की रिक्तियां या एम्प्टी स्पेस उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रिक्तियां या वॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये हो गई परिभाषा। ये रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, ये रिक्तियां होती हैं दो प्रकार की, एक तो होती है समचतुष्फलकीय रिक्ति, बस याद रखना है आपको, और दूसरी होती है अष्ट फलकीय रिक्ति। ठीक, ये हो गई आपकी रिक्तियां। इसके बाद जो अगली चीज है वो क्या है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, मतलब ठोसों में अपूर्णता, जिसे हम ये कह सकते हैं इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, कि किसी ठोस में किस तरीके से डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो ये जो डिफेक्ट होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धि, और दूसरे होते हैं आपके पॉइंट डिफेक्ट, मतलब बिंदु
दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष कब होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक दोष जब होते हैं जब जैसे हम क्या करें किसी ठोस को क्या करें गर्म करें या उसको टेम्परेचर प्रदान करें। तो जैसे हम उसको टेम्परेचर प्रदान करते हैं तो जब उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम ऊर्जा वाले भाग से या कम ऊर्जा वाले स्थान से कहां चले जाते हैं उच्च ऊर्जा वाले स्थान पर चले जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, क्या चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं किसी ठोस को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ऊर्जा प्रदान करके वो कम ऊर्जा से कहां जाता है उच्च ऊर्जा में पहुंच जाता है। जैसे मान लो कि कोई ठोस है और उस ठोस में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे हुए हैं जैसे मान लो हमने क्या किया इसको ऊर्जा प्रदान की तो ये ऊर्जा प्रदान करके कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब बाकी के दो क्या रह जाएंगे, ये रिक्त रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉनों ने क्या की ऊर्जा ग्रहण करके ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में पहुंच गए। तो जब ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षक में पहुंच जाते हैं तो एक यहां से इसमें पहुंच जाता है और यहां से एक इसमें पहुंच जाता है। तो इसके जो पहले से जिस कक्षक में ये उपस्थित थे वहां ये क्या कर देते हैं अपना स्थान रिक्त कर देते हैं। और जब ये रिक्त कर देते हैं तो यही क्या कहलाते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स या ठोसों में अपूर्णता। जिसका जब ये अपना स्थान रिक्त कर देंगे तो उसके कारण ठोस में क्या आ जाएगी, रिक्ति आ जाएगी। मान लो हम क्या करें कि पांच पत्थरों को एक स्थान पर रख दें और उन पांच में से ये अब उस स्थान पांच एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, बाइंड किए हुए हैं, है ना। जैसे मान लो ये हैं पांच पत्थर, ये एक दूसरे से जुड़े हैं तो इनमें मजबूती है। अब हम एक को अलग कर दें तो इसमें मजबूती में क्या आएगी, कमी आएगी। एक को और अलग कर दें, इस तरीके से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को जैसे जैसे उस ठोस में से इलेक्ट्रॉन आयन या अणु या परमाणु अलग होते जाते हैं वैसे वैसे उस ठोस में क्या उत्पन्न होता जाता है, दोष उत्पन्न होता जाता है, रिक्ति उत्पन्न होती है। और यह क्या कहलाता है दोष, वह भी कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक, दूसरा क्या है आपका बिंदु दोष। बिंदु दोष कब होता है कि जब किसी ठोस या क्रिस्टलीय ठोस में से हम जैसे जैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं या जैसे जैसे वो ऊर्जा प्राप्त करता है वैसे वैसे इसमें अब चाहे वो फलक के कारण हो, चाहे उसकी कोनों पर उपस्थित हो, चाहे उसकी रिक्ति के कारण हो या फिर किसी और स्थान के कारण, ये जो दोष होते हैं वह बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, बिंदु दोष कहलाते हैं। अब हम इनको डिटेल से देखेंगे। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको क्या कर दें हम तीन भागों में इसको बांट दें। एक तो क्या हो गया आपका रस समीकरण नित्य दोष, दूसरा क्या हो जाता है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा हो जाता है अशुद्धि या इम्प्योरिटी दोष। रस समीकरण मितीय क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं नॉन
स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, अब ये जो दोष होते हैं ये दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है क्या, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी ठोस से, जैसे मान लो ये क्या है, एक ठोस है, ठीक, क्रिस्टल ये ठोस। अब इस ठोस में ये क्या हो जाएगा, उसमें यहां पर अगर उपस्थित अणु परमाणु या आयनों में विचलन हो जाए। डिफेक्ट का मतलब क्या है, बिंदु दोष जो हम देख रहे हैं, तो बिंदु दोष होते क्यों हैं, विचलन के कारण, कि उसके अणु परमाणु या आयन क्या हो जाते हैं, अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जब ये लाइन पर उपस्थित अणु परमाणु विचलित हो तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, मतलब बिंदु दोष। तो जब यहां पर उपस्थित इस परमाणु के कारण दोष उत्पन्न हो तो वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या है, वैकेंसी मतलब रिक्ति। तो जब इन ठोसों में हमने अभी देखा कि इस तरीके से कुछ ठोस थे और उन ठोसों के बीच में ये क्या है, ये खाली स्थान जो दिख रहा है, ये खाली स्थान क्या है, उसमें उपस्थित दोष है। ठीक है, इस चौथा होता है आपका, अब चौथा और पांचवा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहले साटकी दोष है, साटकी दोष की बात करें तो साटकी दोष में क्या होता है कि जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो, अपने स्थान से निकल जाएं, ठीक है, विचलित तो हो जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है, साटकी दोष बोला जाता है। जब अपने स्थान से कोई धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्या हो, अपने स्थान से अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, साटकी दोष कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो NaCl का ही उदाहरण ले लिया जाए, अगर तो ये एक ठोस है। अब इसकी ये तो ज्यामिति, ये तो उसकी किसके लिए संरचना है, लेकिन इसकी ज्यामितीय संरचना किस प्रकार से होगी, इसकी ज्यामितीय संरचना एक यहां होगा, एक यहां और इन सभी जगहों पर क्या होंगे, इनके आयन उपस्थित होंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि समान मात्रा में जब क्या हो, धनायन और ऋणायन समान मात्रा में विचलित हो जाएं, मतलब जैसे यहां पर क्या था, सोडियम प्लस था, ये क्लोरीन माइनस था, ये सोडियम प्लस था, ये क्लोरीन माइनस था, Na प्लस, दो एक साथ नहीं होते, ये Cl माइनस, यहां से एक गायब कर दो प्लस, तो यहां Cl माइनस, Na प्लस, अब यहां पर Na प्लस, यहां से एक Cl माइनस गायब कर दी, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। मतलब अब यहां से हुआ क्या, यहां से हुआ ये कि एक तो यहां से परमाणु गायब हुआ और एक यहां से परमाणु गायब हुआ, और ये क्या था, ये Na प्लस गायब हुआ यहां से, और यहां से Cl माइनस। तो यही तो साटकी दोष था कि जब
किसी क्रिस्टल से उसकी रचक अवयव या कण धनात्मक ऋणात्मक आयन जो है समान मात्रा में क्या हो अपने स्थान से जब क्या हो जाए विचलित हो जाए तो उसे कहा जाता है शॉर्ट की दोष कहा जाता है उसे। ठीक है, ये जो शॉर्ट की दोष होता है इसके उदाहरण पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, जिसमें NaCl, KCl, CSCl, AgBr ये क्या हो गए कुछ ऐसे यौगिक हो गए। इन दोनों की खास तौर ये तीन खास तौर पर पूछे जाते हैं, ये तो दोनों में कॉमन है, ये शॉर्टकी और फ्रेंकल में AgBr दोनों आता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं। अब अगर फ्रेंकल दोष की बात की जाए तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष में होता ये है कि जब कोई रचक अवयव या कण अणु या आयन जो है जब अपने क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना है उसकी अपनी संरचना से जब वो कहाँ चला जाए उस जगह को रिक्त करके किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाए, तो दूसरी जगह पर मतलब अंतराकाशीय स्थान में स्थित हो जाए, उसके कारण जो रिक्ति होती है वह क्या कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस ना हो के यहाँ पर ये जो खंड होता है इनका रिक्त रहता है, ये पूरा का पूरा स्थान क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा। और यहाँ से उठ के कहाँ चला जाए, मान लो कोई सोडियम जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सोडियम, ये सोडियम यहाँ ना हो के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ अपने अंतराकाशीय स्थान इसने ग्रहण कर लिया, बाकी ज्यों के त्यों Na प्लस Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। तो जब इस तरीके से संरचना निर्मित हो जाती है जिसमें फ्रेंकल दोष क्या होता है, जब इसके रचक अवयव अणु परमाणु आयन जब अपने स्थान से हटकर चाहे वो धनायन हो या ऋणायन अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे जगह पर स्थापित हो जाता है या अंतराकाशीय स्थान पर पहुंच जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, फ्रेंकल दोष बोला जाता है। इसके उदाहरण हैं आपके ZnS, AgCl, AgBr, ये क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे, ये पूछा जाता है ये और ये मुख्य रूप से ये पूछे जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और क्या था, सीजियम क्लोराइड, काय में थे, शॉर्ट की दोष में थे, जिंक सल्फाइड, ZnS, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये काय में हो जाएंगे, फ्रेंकल दोष में हो जाएंगे। उदाहरण भर ध्यान रखें और थोड़ा ये ध्यान रखें कि क्या होता है, तो शॉर्ट की दोष में हमने देखा क्या होता था कि धनायन और ऋणायन जब क्या हो जाते थे, अपने स्थान को
छोड़कर, लेकिन वहां समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़ देते थे, तो रिक्ति नहीं होती थी। अणुआयन रहते थे लेकिन स्थान को छोड़ देते थे, मतलब जितनी संख्या होती थी उतनी ही होती थी। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर स्थापित हो जाता है, जिस कारण से क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, फ्रेंकल दोष बोला जाता है। जिंक सल्फाइड सल्फेट में है ना, और सिल्वर क्लोराइड में और सिल्वर ब्रोमाइड में ये दोष पाए जाते हैं। तो ये सारे दोष हो गए। इसके बाद अरस नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में जो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, अब ये जो दोष होते हैं ये मुख्य रूप से धातुओं में ही पाए जाते हैं। एक होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष से मतलब ये है कि जब इस दोष के कारण क्या होता है कि कोई धनायन या ऋणायन अपेक्षा से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, अपेक्षा से अधिक धनायन या ऋणायन होने के कारण धातु आधिक्य दोष होता है, और अपेक्षा से कम हो जाए जब धातु आयन तो उसके कारण धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर बात की जाए अशुद्धि दोष की, तो अशुद्धि दोष जो होते हैं ये पाए जाते हैं सहसंयोजक ठोसों में ये पाए जाते हैं, जैसे NaCl में K+ आयन का होना क्या होता है, एक अशुद्धि दोष के रूप में पाया जाता है। जैसे कि मान लो ये हो गया, ये हो गया क्रिस्टल जालक, जैसे कि हमने बात की कि सोडियम क्लोराइड में K+, कैसे, यहां मान लो Na+ है, ये Cl- Na+ Cl-, ये Na+ ये Cl-। अब यहां Na+ ना हो के क्या हो जाएगा, K+ हो जाएगा, और यहां Cl- Cl-, Na+ Cl-, और यहाँ K+, फिर ये Na+ Cl-, Cl-, Na+ Cl-, Na+। मतलब बात ये है कि किसी एक स्थान पे क्या आ गया, Na की जगह क्या आ गया, Na+ की जगह पर आ गया K+, जिसके कारण ये अशुद्धि उत्पन्न हो गई, इम्प्योरिटी उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब चूंकि हमने इसमें देखा कि जैसे मान लो धातु आधिक्य दोष था, इतने में ही देख लेते हैं, वैसे होते तो कम से कम चार भाग हैं। ये धन है, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये भी धन, ऋण धन ऋण धन, ये भी धन कर दो, ये धन, ये ऋण धन ऋण ऋण धन ऋण धन। अब इसमें क्या अंतर दिख रहा धातु आधिक्य दोष में, कि जो धातुएं होती हैं इस दोष के कारण धातुओं में क्या हो जाता है,
धातु आयन की मात्रा क्या हो जाती है, धनात्मक आयन क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्या है, धनायन है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्या है, ऋणायन है, जबकि ये होनिक, 9, 7, 16। तो 16 के हिसाब से भाग 2 करने पर ये कितने होते, 8 धनायन होने चाहिए थे और 8 ही क्या होने चाहिए थे, ऋणायन। लेकिन ये 8-8 ना होकर धनात्मक आयन कितने हो गए, 9, और ऋणात्मक 8 से कितने बचे, 7। एक ऋणात्मक आयन कम हो गया और एक धनात्मक आयन बढ़ गया। इसके कारण जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहाँ पर धातु के जो आयन होते हैं उसमें धनात्मक आयनों में हो जाती है वृद्धि, जबकि ये जो धातु न्यूनता दोष होता है इसमें क्या होता है, इसमें धनात्मक आयन हो जाते हैं कम और ऋणात्मक आयन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। मतलब ये 7 क्या बचेंगे, धनात्मक आयन, और 9 क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक आयन। ये यहां पर यहां ऋण की जगह पर धन होना चाहिए, तो यहां ऋण हो गया, यहां धन ही है और यहां ऋण ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ऋण की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसलिए क्या कहलाता है, धातु न्यूनता दोष, जिसमें ऋणात्मक आयन क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोष होते हैं। तो हमने देखे यहां पर आपके धातु ठोसों में अपूर्णता या फिर डिफेक्ट देखे। इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों के बारे में देखा, सरल घनीय की इकाई सेल की संरचना देखी, उनकी एफिशिएंसी देखी कि घनीय जो होते हैं उसमें 52.4% था, है ना, और जो बॉडी सेंटर्ड थे मतलब काय केंद्रित तो उसमें 68% था, और उसके बाद 74% हमने देखा किसमें, फलक केंद्रित में। तो इस प्रकार से इस क्लास में ये इतने क्वेश्चंस जो हमने क्लियर किए 12वीं कक्षा के जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें अब अगली कक्षा में देखेंगे बाकी प्रश्न। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को हेमंत साहू स्टडी सर्कल। थैंक यू।